क्लास 8th, आगे बढ़ते हैं पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक की ओर। अभी हमने पढ़ा था नायलॉन्स, ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल जो हमारे फाइबर्स हैं उसी में नेक्स्ट आता है पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक्स। पॉलिएस्टर भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ये पॉलिएस्टर तो आपने काफ़ी सुना होगा, हमारे काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो पॉलिएस्टर होते हैं या पॉलिएस्टर एंड कॉटन का मिक्सचर होता है। तो पॉलिएस्टर की खासियत क्या है कि इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, यानी कि अगर हमारे कपड़ों में सपोज पॉलिएस्टर की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो ये इनमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, इनको इजीली प्रेस किया जा सकता है। प्रेस करते समय हालांकि हीट का ध्यान रखना होगा, बट पॉलिएस्टर शर्ट्स हो गई, पॉलिएस्टर ड्रेसेस हो गई, तो इसमें इजीली रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा टेरिलीन भी एक तरह का क्या है, एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट इज़ ड्रॉन इंटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक अ यार्न, ठीक है। तो पॉलिएस्टर यानी कि इसके बाद आता है पीईटी, पॉलीएथिलीन टेट्रा पैथलेट। ये एक तरह का केमिकल है, इट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, पैट, PET। इसके बारे में आगे हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तब पढ़ेंगे कि पॉली एथिलीन, एथिलीन क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। पैट, ये कई तरह की प्लास्टिक बॉटल्स में लिखा भी होता है PET, पैट, पैट का मतलब है। तो ये तरह का, एक तरह का क्या है, ये पॉलीएथिलीन है। और आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पॉलिएस्टर मेड होंगी। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर का एक्चुअल अर्थ क्या है, पॉली प्लस एस्टर। ये क्या होता है, एस्टर एक केमिकल है जो ऑर्गेनिक केमिकल है एक्चुअली। एस्टर, ईस्टर्स जो होते हैं, ये ईस्टर्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे सीधे क्लास 10th में और उसके हायर क्लासेस में। ईस्टर्स एक ऑर्गेनिक केमिकल है जिसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूट की तरह होती है, करेक्ट। तो इसका क्या करते हैं, पॉली माने मल्टीपल, तो इसकी एक लंबी लॉन्ग चेन बनती है और इससे ये पॉलिएस्टर बनता है। तो पॉली प्लस ईस्टर, ईस्टर्स आर केमिकल विच गिव्स फ्रूट्स देयर स्मेल्स। फैब्रिक्स आर सॉलिड, आर सोल्ड बाय नेम ऑफ पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट एक्सट्रैक्ट। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर, पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। तो पॉलीएस्टर, यहाँ पर पॉली के दोनों अर्थ, एस्टर ईस्टर्स की भी हम लोग चेंज बनाएंगे और पॉली मीन्स यहाँ पर क्या है, और पॉली का मतलब है कि एक से अधिक फाइबर्स का मिक्सचर करके जो हम लोग क्लॉथ तैयार करते हैं वो पॉलिएस्टर्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, कॉटन के साथ, से मैंने पहले बताया था, कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है और पॉलिएस्टर क्लॉथ बनता है। पॉलीवुड इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। तो कॉटन के साथ मिक्स करेंगे, वूल के साथ मिक्स करेंगे। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल व्हील्स, दे आर अपीयर्स टू बी रिजेंबल वूल, दीज आर अपीयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रीलिक। तो हम लोग जो स्वेटर्स आदि पहनते हैं वो कई बार क्या होता है, प्योर वूल के नहीं होते हैं, उनको मिक्स किया जाता है सिंथेटिक फाइबर के साथ, और इस तरह के जो, इस तरह का जो फाइबर्स जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है एक्रिलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, देयरफॉर क्लॉथ्स
मेड फ्रॉम एक्रिल्स आर रिलेटिवली चीप, दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स. सो एक्चुअली में क्या है कि नेचुरल फाइबर की अपनी एक लिमिटेशन है, जितना प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से ही हमको क्या होगा, ये फाइबर मिलेगा. तो इसलिए क्या होगा, जो जितना रेयर होगा वो उतना एक्सपेंसिव होगा. इसलिए हम कहते हैं अंगोरा वॉल या पश्मीन शॉल्स क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनका जो वूल होता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है. तो इसको इजीली इसको लेस एक्सपेंसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स कर देते हैं. और सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स करने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि इसकी कलरिंग करना और इसको मोर ड्यूरेबल बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि सिंथेटिक जल्दी डिटोरिएट नहीं होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, और जबकि नेचुरल वूल से बनी हुई चीज़ें जल्दी ख़राब हो सकती हैं. यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मटेरियल्स एंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर. डू यू ऑब्जर्व सिंथेटिक फाइबर्स, यू फाइंड द बिहेवियर फ्रॉम द नेचुरल फाइबर. यू मस्ट हैव नोटिस सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग. अब सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज क्या है या एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो हमको मालूम है, एक तो चीप हो जाती है, कलरिंग इजी हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं. अब अगर हमने इनको जलाया था, जो हमने पहले एक प्रयोग किया था, तो जो नेचुरल फाइबर्स होंगे वो उसको अगर हम जलाएंगे तो पहले तो क्या होगा कि वो पूरी तरह से ऐश में बदल जाएंगे, राख में बदल जाएंगे. लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेल्ट होने लगेंगे, वो बर्न नहीं होंगे, वो मेल्ट होंगे. तो मेल्ट होने के कारण क्या है कि ये नुकसान करेंगे, और अगर हम इसमें हाथ लगाएंगे गर्म में तो ये चिपक जाएंगे. तो इसलिए क्या होता है कि फैब्रिक भी फाइबर, और दूसरा जो केमिकल फाइबर्स होते हैं उनमें आग जल्दी पकड़ेगी और जल्दी पकड़ेगी. तो इसीलिए क्लॉथ्स को हम लोग जो है अवॉइड करेंगे जब हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबोरेटरीज में, केमिकल लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, या कुकिंग के समय में सिंथेटिक फाइबर्स को अवॉइड किया जाएगा किचन में एंड लेबोरेटरीज में. अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. इमेजिन दैट इन अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई. सपोज आपको अपने आप को बारिश से बचाना है, या अपने बैग को बारिश से बचाना है, तो किस तरह का फाइबर आप यूज करेंगे? आपको मालूम है नेचुरल फाइबर क्या करता है कि नेचुरल फाइबर क्या करेगा, नेचुरल फाइबर नमी को, बारिश को अपने से पास होने देगा, जाने देगा. ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि आप गीले हो जाएंगे. तो आपको अगर बारिश से बचना है तो आप किस तरह का फाइबर यूज़ करेंगे? सिंथेटिक फाइबर यूज़ करेंगे, कि सिंथेटिक फाइबर क्या होगा, एक तो ख़राब नहीं होगा जल्दी, दूसरा क्या होगा, उसका मेंटेनेंस भी कम होगी, इजीली मेंटेनेबल होगा, वॉशेबल भी होगा, और अपने में से ऐसे फाइबर्स भी बन सकते हैं इजीली जो अपने में से एयर को पास, जो अपने में से एयर को भी पास ना होने दें, या अपने में रेन को पास ना होने दें. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंथेटिक फाइबर का यूज करेंगे. ओके, तो कौन कितना फाइबर, कौन फाइबर कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप के फाइबर्स लें और एक ग्लास में डिफरेंट अमाउंट, फिक्स अमाउंट का वाटर ले लें. अब उसमें उस फाइबर को सोक करेंगे, सोक करके बाहर निकाल लेंगे बिना निचोड़े. अब आप बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर जो पानी था उसके वॉल्यूम में कितनी कमी आई. समझ रहे हैं? सपोज हमारे पास एक ग्लास है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है, इसमें हमने डाला कॉटन, कॉटन कॉटन का सपोज ये पीस डाला जिसमें कि ये फिक्स होना चाहिए, कॉटन चाहे डालें, चाहे सिल्क डालें, चाहे कोई पॉलिएस्टर क्लॉथ डालें. तो ये सपोज करके करा हमने, तो हमारा क्या हुआ कि हमारा जो पानी था इसने इतना पानी सोख लिया, इतना पानी इसने सोख लिया. ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इस पे डाला कॉटन की जगह पे क्या डाला, सपोज पॉलिएस्टर डाल लिया कोई,
कोई पॉलिएस्टर क्लॉथ डाल, तो हम क्या देखेंगे कि पॉलिएस्टर क्लॉथ में कम पानी सोखा, तो इसकी पानी सोखा या फिर पानी नहीं भी सोखा। अगर पॉलिएस्टर मिक्सर होगा, मिक्सर होगा कॉटन एंड वूल का, उससे बना हुआ क्लॉथ होगा तो कम पानी सोखेगा। अगर वो प्योर पॉलिएस्टर क्लॉथ होगा तो बिल्कुल पानी नहीं सोखेगा, उसका लेवल कोई चेंज नहीं आएगा, ऑलमोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उसके साथ पानी चिपक सकता है और वो जो पानी उसके साथ स्टिक अप होगा वो ही बाहर निकलेगा, तो जो कि नेग्लिजेबल अमाउंट का होगा। सो क्या है, तो कुछ फाइबर्स क्या होंगे ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करेंगे, कुछ पार्ट जो है हमारे कम पानी को अब्जॉर्ब करेंगे। अगला कैरेक्टर हमारा, अगला जो हमारा आता है सिंथेटिक फाइबर, वो है प्लास्टिक। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक, ये जो तुम देख रहे हो ये अरेंजमेंट्स हैं। किसके अरेंजमेंट हैं अभी समझते हैं। ये लीनियर अरेंजमेंट है, लीनियर माने एक ही लाइन में एक ही सीध में लगे हुए। सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा, और ये सारे क्या हैं, लीनियरली एक दूसरे से लिंक है। ये क्या है, क्रॉस लिंकिंग है, ये आपस में लिंक है, यहाँ भी आपस में लिंक होंगे, तो ये मल्टीपल टाइम्स लिंक हो जाएंगे जितनी भी इनके पास जगह, जहाँ पर भी आपको ये डंडी दिखाई दे रही है यहाँ पर क्या होगा, एक लिंकिंग होगी, तो इसको कहते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। ठीक है, एक है लिंक, एक है लीनियर अरेंजमेंट, एक है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। तो प्लास्टिक भी क्या है, एक तरह का पॉलीमर है। हर प्लास्टिक का अरेंजमेंट सेम तरह का नहीं होता। अब ये प्लास्टिक बन रहा है, ये प्लास्टिक को बनाने के तरीके हैं, एक प्लास्टिक बन रहा है हमारा लीनियर अरेंजमेंट से और एक प्लास्टिक हमारा बन रहा है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट से। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे।